ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को कांग्रेस नेता लिखने के बजाय पब्लिक सर्वेंट लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर हैंडल पर अपना स्टेटस बदल दिया है। उन्होंने पूर्व के सरकारी पदों और कांग्रेस का जिक्र हटाकर खुद को समाज सेवी और क्रिकेट प्रेमी बताया है। ज्योतिरादित्य के ऐसा करने से कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। लंबे अरसे से कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ असहज नजर आ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और धारा 370 जैसे मसले पर उनका रुख कांग्रेस से अलहदा नजर आया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अपने स्टेटस में किए गए बदलाव से नेताओं के बीच इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था। वे लगातार मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी की कमलनाथ सरकार पर सवाल भी उठाते रहे। पिछले दिनों उन्हें मध्य प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं जनता का सेवक हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे पहले अपने ट्विटर स्टेटस पर पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री लिखा था, लेकिन अब वहां समाज सेवी और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की टीम में शामिल सबसे अहम सदस्यों में से एक थे, लेकिन वे खुद ही अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के दौरान चंबल इलाके में आई बाढ़ के बाद वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिले और प्रदेश सरकार से उन्हें जल्द राहत देने की बात कही, जो राहत आज तक नहीं मिल पाई। कमलनाथ सरकार में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री लगातार उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाते रहे हैं। निश्चित रूप से आप अगर माननीय सिंधिया जी को सुने तो हमेशा उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं नेता हूँ। उन्होंने यही कहा है कि मैं जन सेवा में हूँ, और मेरे फादर ने जब मुझे ये सौंपा था तो उन्होंने यही कहा था कि नेता की तरह नहीं बल्कि एक जन सेवक के रूप में जनता की सेवा करनी है। और उन्होंने अगर ट्विटर हैंडल बदला है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चर्चाओं में गर्मी क्यों आई। कोई भी राजनेता, राजनीतिक व्यक्ति, प्रथम उसका पद है पब्लिक सर्वेंट। यदि सिंधिया जी ने अब पब्लिक सर्वेंट अपना ट्विटर हैंडल किया है तो उनको मैं बधाई देता हूं और स्वागत। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।